वेस्ट इंडीज को हराया, टीम इंडिया ने 4-1 से जीती सीरीज। पांचवें T20 में भारत ने वेस्ट इंडीज को 88 रनों से हराया, सभी 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट की छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टीम इंडिया ने पांचवें T20 मैच में वेस्ट इंडीज को एक तरफा अंदाज में 88 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 188 रन बनाए। ओपन करना इस रईस अय्यर ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली। दीपक हुड्डा ने 38 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 15.4 ओवर में 100 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। सिमरन हेटमार ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज के लिए जैसन होल्डर बिना खाता खोले अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। अक्षर ने फिर सामरा ब्रुक्स और डेवन थॉमस को आउट किया। कुलदीप यादव ने निकोलसन पूनन का विकेट लिया। रोमन पोवर को रवि बिश्नोई ने आउट किया। बिश्नोई ने इसके बाद केमो पोल को भी पीओएलएन का चलता कर दिया। कुलदीप यादव ने ड्रेक्स और ओडियन स्मिथ के विकेट लिए। हेटमर और रॉबर्ट मकाय का विकेट रवि बिश्नोई ने लिए। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले को भारत ने 88 रनों से जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों भारत की इस प्रकार की धमाकेदार जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।